मैं समीर वलीउल्लाह, चेयरमैन हैदराबाद सिटी कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। आज मैंने एक रिप्रेजेंटेशन चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना केसीआर साहब को पेश किया, एक ओपन लेटर। उनको आज मैंने एक ओपन लेटर लिखा जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने डिमांड किया है कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स, जो इस सारे लॉकडाउन पीरियड में जो सारा कारोबार, सारे एस्टेब्लिशमेंट, सारे ऑफिस, सारे एम्प्लॉयज़ घर पे बैठे हुए थे, इन सब का जो मिडिल क्लास और लो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं, इनके वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स माफ़ करने के लिए केसीआर साहब से मुतालबा किया है। जो इतने करोड़ों रुपए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के कोरोना रिलीफ फंड, जो COVID-19 रिलीफ फंड में जमा हुए हैं, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी और वाटर डिपार्टमेंट को कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस पे करके केसीआर साहब से मुतालबा है कि आप सारी आवाम के इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स को 100% माफ़ करें। और जो ये लोग इस लॉकडाउन पीरियड से गुजरे हैं और जो लोग अपने घरों पे बैठे हुए थे, जिन कई लोगों को अपनी सैलरी नहीं मिली और कई लोगों को उनके नौकरियां चले गए, ये लोग मगर घर पे बैठ के अपना इलेक्ट्रिसिटी और वाटर इस्तेमाल किए हैं, इनको बिल्स इस बार बग़ैर रीडिंग के डबल बिल्स ज़्यादा करके लॉकडाउन के बिल्स डाल दिए। तो मेरा मुतालबा है, मेरी रिक्वेस्ट है केसीआर साहब से कि इस पे सीरियस इमीडिएट एक्शन लीजिए और सबके इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स 100% माफ़ करिए। अवाम इस वक्त परेशान है, अवाम इस वक्त नहीं भर सकती। अभी अवाम को ये 2 महीने के लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए एक कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त चाहिए। तो मेरी केसीआर साहब से इंतजा है कि आप इस पे इमीडिएट एक्शन लीजिए और आवाम को इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल 100% माफ़ करिए। शुक्रिया।